A very good morning, class 6th. This is your Diksha miss. And so far we have covered our 5 chapters in your science subject. Theek hai? So let's move towards our next chapter. That is chapter number 6. Kaun sa hai? Changes around us. Theek hai? Kaun sa hai? Changes around us. So let's move towards the chapter. And this is your lecture 1 of the chapter. आपको कुछ words दिए गए हैं, microbes, fermentation, water lodged, pop. इन सारे terms को हम one by one discuss करेंगे, ठीक है? So let's proceed towards the chapter. What fun if you suddenly get some magic powers to change anything around you? What are the things you would want to change? आप कह रहे हैं कि कितना मज़ा आएगा अगर आपको सडनली कभी क्या हो गया, कुछ मैजिकल पावर्स मिल गई, तो आप क्या करोगे? वर्ल्ड आपके अराउंड जो थिंग्स हैं आप उसको चेंज करेंगे, चेंज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब कह रहे हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ है, क्या चीज़ें हैं वो जो आप चेंज करना चाहते हो? वी डू नॉट हैव मैजिकल पावर्स बट वी कैन स्टिल चेंज अ फ्यू थिंग्स अराउंड अस, परहैप्स मैनी थिंग्स. ये आपको बच्चों पिक्चर दिख गई है, ये वो सोच रहा है, इमेजिन कर रहा है, विश कर रहा है कि क्या क्या चीज़ें अगर मुझे मैजिकल पावर्स मिल गई मैं चेंज करूँगा, ठीक है? अब कह रहे हैं कि हमारे पास बेशक मैजिकल पावर्स नहीं है, लेकिन हम फिर भी कुछ थिंग्स चेंज कर सकते हैं. कुछ थिंग्स वो कह रहे हैं कि परहैप्स बहुत सारी चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं. कैन यू लिस्ट अ फ्यू थिंग्स यू कैन चेंज अराउंड यू विद नो मैजिक इन्वॉल्व. अब कह रहे हैं कि क्या आप लिस्ट बना सकते हो उन सभी चीज़ों की जो आप अपने अराउंड चेंज करना चाहते हो अपने आसपास, लेकिन उसमें कोई मैजिक इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए. मैनी चेंजेस आर टेकिंग प्लेस अराउंड अस ऑन देयर ओन. अब कह रहे हैं कि बहुत सारी चेंजेस जो हैं हमारे इर्द गिर्द जो होती हैं वो खुद से बाय देयर ओन चेंज हो जाती हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फील्ड्स में क्रॉप जो होती है वो चेंज होती रहती है टाइम टू टाइम, लीव्स जो है वो पेड़ों से गिरते हैं, कलर चेंज होता है उनका और वो सूख जाते हैं पत्ते, ठीक है? फ्लावर ब्लूम करता है और फिर उसके बाद विदर हो जाता है, विदर अवे हो जाता है. आर एनी चेंजेस हैपनिंग इन योर बॉडी? अब कह रहे हैं कि क्या आपकी बॉडी में भी कुछ चेंजेस होती हैं? होती हैं ऑफकोर्स. यस, नेल्स ग्रो, नेल्स बड़े होते हैं, हेयर्स बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं, हमारा वेट इंक्रीज होता है एंड यू ग्रो, ठीक है? डिड यू रियलाइज अर्लियर डेट सो मैनी थिंग्स आर टेकिंग प्लेस अराउंड यू ऑल द टाइम? अब कह रहे हैं कि आपने ये पहले कभी सोचा है कि आपके आस पास बहुत सारी चेंजेस जो हैं वो टेक प्लेस करती हैं ऑल द टाइम, ठीक है? कैन सम ऑफ द चेंजेस बी ग्रुप टुगेदर? अब कह रहे हैं कि अब इतनी सारी चेंजेस जो हैं वो टेक्स प्लेस होती हैं हमारे आसपास, तो क्या हम इन चेंजेस को ग्रुप कर सकते हैं इकट्ठे? कैसे ग्रुप करेंगे? हाउ कैन वी ग्रुप वेरियस चेंजेस? अब कह रहे हैं कि हम कैसे ग्रुप कर सकते हैं वेरियस चेंजेस को? इट माइट हेल्प, कह रहे हैं कि ये हेल्प कर सकता है कि अगर हमें कुछ सिमिलैरिटीज मिल जाए उनमें, चेंजेस में, तो हम उनको ग्रुप कर सकते हैं. सब टॉपिक है आपका 6.1. कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड? अब कह रहे हैं कि क्या सारी चेंजेस हमेशा रिवर्स होती हैं? रिवर्स होने का मतलब कि जैसे हमने पेपर लिया, एक पीस ऑफ पेपर लिया, उसको फोल्ड किया, ठीक है? फिर उसको हमने अनफोल्ड किया, वो दोबारा से वही पीस ऑफ पेपर बन गया जिस साइज़ का हमने लिया था, तो वो रिवर्स हो गया ना. तो वो कह रहे हैं कि क्या सारी चेंजेस ऐसे ही रिवर्सिबल होती हैं? एक्टिविटी 1 है आपके पास, टेक अ बलून एंड ब्लो इट. एक बलून लो और उसको ब्लो करो. ये पिक्चर भी दिखाई गई है आपको. टेक केयर दैट इट इज़ नॉट बर्स्ट. अब हमने ये ध्यान रखना है कि ये बर्स्ट नहीं हो. द शेप एंड साइज़ ऑफ द बैलून हैव चेंज. अब कह रहे हैं कि जैसे हमने बैलून लिया था वो तो नॉर्मली ऐसा ही था, ऐसा ही था ना, ये है हमारे पास बैलून, ठीक है? अब हमने इसको ब्लो किया तो ये क्या हो गया, इसका साइज और शेप क्या हो गई, चेंज हो गई. नाउ लेट द एयर एस्केप द बैलून. अब उसमें से हवा क्या है, निकाल दो, ठीक है? बैलून वैसे का वैसा हो जाएगा,
ठीक है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक्टिविटी नंबर 2 है, एक पीस ऑफ पेपर लो और उसको फोल्ड करो जैसे आपको पिक्चर में फिगर में दिखाया गया है, इनटू अ टॉय एरोप्लेन। ठीक है, यू हैव चेंज द शीट ऑफ पेपर इनटू अ टॉय एरोप्लेन। अब कह रहे हैं कि आपने शीट ऑफ पेपर को चेंज कर दिया है, किस में? टॉय एरोप्लेन में किया है ना। यू मे हैव लॉट्स ऑफ फन इन फ्लाइंग दिस प्लेन। अब कह रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा मज़ा लेते हो इन प्लेन्स को फ्लाई करने में, उड़ाने में। वंस यू हैव यू आर टायर्ड ऑफ इट। अब कह रहे हैं कि जब आप इससे थक जाओगे, इसको उड़ाने में थक जाओगे, तो आप उसको अनफ्लोर कर दो पेपर को अगेन, वैसे का वैसा पेपर हमें मिल जाएगा। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 3 है कि टेक सम डो एंड मेक अ बॉल, ट्राई टू रोल आउट अ रोटी। जैसे फिगर 6.3 में दिख रहा है, एक डो लिया है, उसका बॉल बनाया, उसको रोटी बना दी है। मे बी यू आर नॉट हैप्पी विद इट्स शेप एंड विश टू चेंज इट बैक इंटू अ बॉल ऑफ डो अगेन। अब कह रहे हैं कि आप अब इस शेप से, रोटी की शेप से हैप्पी नहीं हो, खुश नहीं हो, तो आप कह रहे हो कि हम वापस उसको, वापस डो का क्या बनाते हैं, इस रोटी का क्या बनाते हैं, बॉल बनाते हैं डो का दोबारा से। ठीक है, बन जाएगा। नाउ थिंक अबाउट द 3 चेंजेस यू ऑब्जर्व्ड इन एक्टिविटी 1, 2, 3। अब कह रहे हैं कि अब 3 एक्टिविटीज़ हमने परफॉर्म की, देखी, पढ़ी, तो इसमें सोचो कि क्या 3 चेंजेस आपने ऑब्जर्व की, वट डू दे हैव इन कॉमन। अब इन चेंजेस में कॉमन क्या है? वॉज इट पॉसिबल टू गेट द बैलून बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। क्या हमें बैलून वापस मिला ओरिजिनल शेप और साइज का, जिससे हमने लिया था स्टार्ट में? वॉज द शेप ऑफ द पेपर सेम एज बिफोर एंड आफ्टर मेकिंग एन एरोप्लेन। क्या पेपर का शेप और साइज जो था वो, जब हमने पेपर लिया और उसके बाद एरोप्लेन बनाया, सेम था? वॉज इट पॉसिबल टू गेट बैक द बॉल ऑफ डो अगेन। क्या ये पॉसिबल हुआ कि हमें वापस बॉल ऑफ डो मिला दोबारा से रोटी बनाने के बाद? व्हाट डू यू कंक्लूड? हाँ, ये सब पॉसिबल हुआ, लेकिन पेपर का साइज़ जो था वो, हाँ, सेम था, लेकिन जब हमने अनफोल्ड किया वो पेपर वैसे का वैसा हमें मिल गया। ठीक है, क्या आप इस इन सब चीज़ों से, क्या इन एक्टिविटीज़ से क्या कंक्लूजन निकालते हैं? इन ईच ऑफ द 3 एक्टिविटीज़, तीनों एक्टिविटीज़ में क्या हुआ, हमें ये पॉसिबल हुआ कि हमें वापस जो मटेरियल हमने स्टार्ट में लिया था एक्टिविटी के, हमें मिला। क्या मटेरियल लिया था? डो लिया था, रोटी को बॉल बनाया, डो का बन गया। क्या मटेरियल लिया था? एरोप्लेन बनाया था, पेपर लिया था, अनफोल्ड किया, दोबारा पेपर हमें मिल गया। बैलून लिया था, उसको ब्लो किया था, जब हवा निकाल दी वापस, दोबारा से वैसा ही बैलून हमें मिल गया जो हमने स्टार्टिंग में लिया था ब्लो करने के लिए। इफ़ द आंसर इज़ येस, हमारा आंसर येस है, क्योंकि ये चेंजेस क्या हुई, हमें स्टार्ट के मटेरियल की, जो एक्टिविटी हमने ली थी, मटेरियल लिया था एक्टिविटी के लिए स्टार्ट के लिए, वो ही हमें मिला। इट मीन्स डैट द चेंजेस ऑकरिंग इन दीज एक्टिविटीज़ कैन बी रिवर्स। इसका मतलब ये है कि जो चेंजेस इन एक्टिविटीज़ में हुई हैं वो रिवर्स हो सकती हैं, रिवर्सिबल हैं। क्या हैं? रिवर्सिबल हैं। ठीक है, नाउ लेट अस रिपीट द सेम एक्टिविटीज़ विद द डिफरेंस। अब कह रहे हैं कि हम दोबारा इन्हीं एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं, लेकिन एक डिफरेंस के साथ। सो आपके पास है एक्टिविटी नंबर 4। क्या है? टेक अ स्मॉल बैलून, एक बैलून लो जैसे आपने एक्टिविटी 1 में लिया था, ब्लो इट टू इट्स फुल साइज एंड टाई इट्स माउथ विद अ स्ट्रिंग टाइटली। अब कह रहे हैं कि उसको ब्लो करो, लेकिन उसके बाद क्या करो, उसको बांधो एक स्ट्रिंग के साथ। ठीक है, प्रिक इट विद द पॉइंटेड टिप ऑफ योर पेंसिल। अब कह रहे हैं कि उसको प्रिक करो बैलून को पॉइंटेड टिप जो है आपके पेंसिल की टिप से। ठीक है, ओप्स इट बर्स्ट, वो क्या हो जाएगा, बर्स्ट हो जाएगा बैलून। ठीक है, एक्टिविटी 5, टेक अ स्मॉल पीस ऑफ पेपर विच यू यूज इन एक्टिविटी 2। अब कह रहे हैं कि वही पेपर जो आपने एक्टिविटी 2 में यूज़ किया था टॉय एरोप्लेन बनाने के लिए, वो पेपर लो, उस पर एरोप्लेन ड्रॉ करो और उसको आउटलाइन को काट दो। ये हमारे पास एरोप्लेन मिल गया आउटलाइन कट करके। एक्टिविटी 6 है, रोल आउट अ रोटी फ्रॉम द बॉल ऑफ डो अगेन एंड बेक इट ऑन अ तवा। आप कह रहे हैं कि रोटी बनाओ जो आपने बॉल ऑफ डो लिया था उसकी दोबारा से, और उसको तवे पे क्या करो, बेक कर दो, बना लो। ठीक है, सपोज यू आर आस्क्ड टू द सेम 3 क्वेश्चंस व्हिच यू आंसर्ड आफ्टर एक्टिविटी 3,
व्हाट वुड योर आंसर बी नाउ? अब कह रहे हैं कि जैसे कि आपको तीनों एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के बाद क्वेश्चन पूछा गया था, तीन क्वेश्चंस पूछे गए थे, अभी भी आपको वही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो अब आपका आंसर क्या होगा? पहला क्वेश्चन था कि हमें बैलून जो हमें पहले मिला था कि बाद में मिला वो सेम था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन था क्या पेपर का साइज़ सेम था बिफोर और आफ्टर। तीसरा क्वेश्चन था जब हमने रोटी बनाई क्या हमें बॉल ऑफ डो मिला था वापस रोटी बनाने के बाद। हाँ, उसका उस टाइम मेरा आंसर यस था। अगर इधर आंसर दें तो इधर हमारा आंसर क्या है? नो है, क्योंकि बैलून तो वर्स्ट हो गया तो हमें वापस बैलून वो मिलेगा नहीं। अब हमने पेपर का जो था वो तो कट करके एरोप्लेन बनाया है ना, अब वापस ओरिजिनल पेपर थोड़ी मिल सकता है, ठीक है। अब रोटी बेक कर दी है तो वापस बॉल ऑफ डो नहीं बनेगा, तो इसका मतलब क्या है? ये चेंजेस क्या हैं जो हमने चेंजेस 4, 5, 6 एक्टिविटीज़ में हो रही हैं वो रिवर्स नहीं हो सकती हैं। पहले जो तीन एक्टिविटीज़ की, 3 एक्टिविटीज़ हमने की, उसमें चेंजेस क्या थी? रिवर्स होती थी, रिवर्सिबल चेंजेस थी। ये चेंजेस नॉन रिवर्सिबल हैं। क्या हैं? इरिवर्सिबल या नॉन रिवर्सिबल? इरिवर्सिबल, सॉरी। ये चेंजेस क्या हैं? इरिवर्सिबल चेंजेस हैं, ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब आप पेंसिल और इरेजर यूज़ करते हो, अब जब उसका रिपीटेडली यूज़ करते हो पेंसिल और इरेजर का, उनका भी शेप और साइज़ क्या है? चेंज होता है। कैन वी रिवर्स दिस चेंज? हम इस चेंज को रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। यू मस्ट हैव सीन अ पॉटर वर्किंग ऑन हिज व्हील। अब कह रहे हैं कि आपने पॉटर को भी देखा होगा, वो अपने व्हील पे वर्क करता है, वो एक लंप ऑफ क्ले से पॉट बनाता है, ठीक है। अब क्या पॉट से लंप ऑफ क्ले बन सकता है? हाँ, फिलहाल बन सकता है, ठीक है। अब जब वो पॉट बनाने के बाद उसको ओवन में बेक कर देगा, क्या अब चेंज रिवर्स हो सकती है? नहीं, अब चेंज रिवर्स नहीं हो सकती है। अब अगर हम उसको क्ले बनाने की, लंप ऑफ क्ले बनाने की कोशिश करेंगे, वो पॉट टूट जाएगा, ठीक है। क्योंकि पहले जब हमने लंप ऑफ क्ले से पॉट बनाया वो गीला था पॉट, तो वो वापस क्ले बन जानी थी, मिट्टी बन जानी थी, लेकिन जब हमने बेक कर दिया वो पॉट की शेप बन गई और मिट्टी जो थी वो सूख गई। अब मिट्टी का गड़ा टूटेगा ही, रिवर्स नहीं होगी चेंज, इरिवर्सिबल चेंज है ये, ठीक है। अब कह रहे हैं कि सम कॉमन चेंजेस आर गिवन इन टेबल 6.1। कुछ चेंजेस दी गई हैं, ये पर्टिकुलर टेबल जो है ये आपको 6.1 जो दिया गया है इसमें। विच ऑफ दीज चेंजेस डू यू थिंक कैन बी रिवर्स? अब कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी चेंजेस आप देखते हैं कि रिवर्स हैं? वी फाइंड दैट, ये यहाँ पे लिखनी है, ये आपको कुछ चेंजेस दी गई हैं, ये आपकी एक्टिविटी है बच्चों, खुद करना है होमवर्क, ठीक है। और मैंने आपका ये चेक करना है, ठीक है। जो चेंजेस रिवर्स हो सकती है उसके आगे यस, जो नहीं हो सकती उसके आगे नो लिखना है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि हमने एक वे देखा कि हम चेंजेस को ग्रुप कैसे कर सकते हैं, हम चेंजेस को ग्रुप कैसे कर सकते हैं, हम रिवर्स, जो चेंजेस रिवर्स हो सकती हैं उनको एक साथ ग्रुप कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। बाकी जो रेस्ट ऑफ द चैप्टर हमारा बच गया है वो हम नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप जो आपको समझाया है आज आपको पूरे अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू क्लास।